साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों आज जो है आप सभी को मैं बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश डीएलएड के जो प्रथम और तृतीय सेमेस्टर के एग्ज़ाम हैं उस एग्ज़ाम को लेकर के सुबह से लेकर के अभी तक मेरे पास कम से कम बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं। उसके मैसेज आने का कारण ये है कि उत्तर प्रदेश में आप सभी लोग जानते हैं यूपी टेट और शिक्षक भर्ती को लेकर के बहुत सुगबुगाहट चल रही है और ये हो सकता है कि शिक्षक भर्ती इसी वर्ष आ जाए। ऐसी कई जो है स्थितियां जो हैं उत्तर प्रदेश की इस समय की रणनीति में चल रही हैं। तो आपका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, ठीक है? तो मैंने बताया है कि आपका एग्ज़ाम जो है, मैं जब इससे पहले सचिव जी से संपर्क किया था तो समय उनके कोई जो है संतोषजनक जवाब नहीं आया था, लेकिन आज जो है संतोषजनक जवाब आज भी नहीं दिए हैं। जब आज हम उनसे पूछे कि सर ये बताइए कि बच्चे जो है परेशान है, 21 बैच का बच्चा तो ज़्यादातर परेशान है, जिसका फोर्थ सेमेस्टर में बैक लग गया है, सॉरी फर्स्ट सेमेस्टर में बैक का बैक लग गया है, या फोर्थ सेमेस्टर या तृतीय सेमेस्टर में बैक है, जब तक उसका पेपर नहीं हो जाएगा तब तक वो शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो बच्चा ज़्यादा परेशान है। तो वही लेकर के मैंने जो है उनके पास ईमेल भी किया और फ़ोन पर पे डायरेक्ट मैंने सचिव जी से बात भी किया। तो बात के दौरान उन्होंने कहा कि मान्यवर 27 जनवरी को जो है हमारा आखिरी एडमिशन हुआ था। अब 27 जनवरी से आप 6 महीना जोड़ लीजिए, 27 जनवरी से 6 महीना जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा उस दिन मैं आपका पेपर करा दूंगा। इस तरीके से 27 जनवरी से लेकर के 27 जुलाई को आपको 6 महीना पूरा हो रहा है, क्या 27 जुलाई के बाद आपका पेपर होगा? तो मैंने उनसे कहा कि विगत वर्षों में भी जो है लास्ट एडमिशन जो होते थे खुले एडमिशन वो तो जनवरी फरवरी तक चलते थे, लेकिन उस समय आपका जो है एग्जाम जुलाई महीने में हर हाल में जून महीने में हो जाता था, लेकिन इस बार इतना देर क्यों हो रहा है? इन सब की बातों पर जो है उन्होंने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया और जो है फोन काट दिए, ठीक है? तो मैं आप सबसे यही कहूंगा, अगर आप लोग चाहते हैं, देखिएगा जिस तरीके से उन्होंने बात किया इस तरीके से, तो आपका एग्जाम जो है अगस्त में जाएगा या आपका एग्जाम जो है मतलब कि लेट हो जाएगा। और अगर आपका एग्जाम लेट होगा तो यकीन मानिएगा आपका रिजल्ट अक्टूबर से पहले नहीं आएगा, और अक्टूबर से पहले रिजल्ट नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं अगर इसके बीच में कुछ स्थितियां बनती हैं तो आप लोग कहीं ना कहीं घाटे में जाएंगे। इस वजह से मैं आपके स्क्रीन पर जो है आपको दिखाई दे रहा होगा दो ईमेल आईडी मैं दे रहा हूं, जो कि पीएनपी का ही ईमेल आईडी है। आप उस ईमेल आईडी पर अपना ईमेल कर सकते हैं, अपनी बात को लोकतांत्रिक तरीके से सचिव सर से आप कह सकते हैं कि सर मेरी ये स्थिति है और आप एग्ज़ाम जल्द से जल्द करवा लेंगे तो हम लोगों का अस्तित्व तो बचा रहेगा और जल्द से जल्द आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है? तो मैं ईमेल आईडी आपको दे रहा हूँ, उस जो नंबर चल रहा है हमारे स्क्रीन पर, आप उस पर जो है कॉल करके जरूर ईमेल करके ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है? उसके बाद मैं बात करता हूँ मित्रों, उत्तर प्रदेश में अभी आज के पेपर में जो है, आज के न्यूज़पेपर में शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के न्यूज आई थी, और उस न्यूज को लेकर के बहुत सारे बच्चे हमसे कह रहे थे कि भैया अब पर डे जो है ऐसी ही न्यूज आएगी कि आज सचिव की नियुक्ति होगी, आज अध्यक्ष की नियुक्ति होगी, एक किस तरीके का ड्रामाबाजी चल रहा है। मित्रों मैं बता दूं, जब उत्तर प्रदेश में कुछ होने वाला होता है उसके 3 महीना 4 महीना पहले से ही इस तरीके का माहौल आपके बीच अखबारों के माध्यम से और सोशल मीडिया सोशल साइट्स के माध्यम से आपको देखने को मिलता है। इसे आप गलत वे में नकारात्मकता में मत लीजिए, इसको आप सकारात्मकता में लीजिए, और इस बात को ध्यान रखिएगा कि आप जिस तरीके की सुगमुगाहट या जिस तरीके के पेपर के झरोखों में जो है आप देख रहे हैं कि शिक्षक भर्ती आने वाली है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में समानुपात अनुपात बहुत जल्द बिगड़ेगा और आप सबकी भर्ती बहुत जल्द आएगी, ठीक है? अब कुछ लोग निगेटिव इसे बोलते हैं 2027 से पहले कुछ नहीं होने वाला है, तो मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन आपको इतना जरूर कहूँगा आप लोग तैयारी में लगे रहिए। आपके यूपी टेट का विज्ञापन जुलाई लास्ट में, जैसे ही सचिव की नियुक्ति जुलाई के प्रथम सप्ताह तक, अध्यक्ष की नियुक्ति और उपसचिव की नियुक्ति हो जाती है, तुरंत ही आपका जो है यूपी टेट का विज्ञापन आपके बीच होगा, टीजीटी पीजीटी का प्रीवियस जो टीजीटी पीजीटी उसका एग्जाम डेट आपके बीच होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम डेट आपके सामने होगा। तो आप लोग तैयारी में लगे रहिए। देखिएगा जिस तरीके से नियमावली की बात चल रही है, नई नियमावली बेसिक से लेकर के उच्चतर माध्यमिक तक बनाया जा रहा है, निश्चित तौर पे वर्तमान में हो सकता है कि योग्यता को वरीयता देने के क्रम में आपके जो है एकेडमिक मेरिट की महत्ता को कम कर दिया जाए। अगर एकेडमिक मेरिट की महत्ता को कम किया जाता है तो सीटेट और यूपी टेट का जो मेरिट होगा उसके 1/4 जो पहले से आपने वायरल न्यूज देखा है वह कहीं ना कहीं सत्य होता प्रतीत हो रहा है। तो आपसे हम यही कहेंगे, अगर आपको सीटेट 7 जुलाई वाला आप दे रहे हैं तो विधिवत सीटेट दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन करने का प्रयास करिएगा। और अगर आपके हाथ से मौका जा चुका है, आप सीटेट में फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं, तो यूपी टेट के बिना वैकेंसी नहीं आएगी। यूपी टेट में आप लगे रहिएगा,
और यूपी टेट में आप कोशिश करिएगा कि एक सम्मानजनक स्कोर करके, मान लीजिए 120 125 जितना आप कर सकते हैं उतना स्कोर करके अपने आप को जो है सिक्योर मोड में कर लीजिएगा, ठीक है। जिस तरीके से नई नियमावली की बात हो रही, हो सकता है 1/4 वाला मैटर जुड़ जाए, ठीक है। तो ये बात मैं आपको आगाह पहले से कर रहा हूँ। और जिस बच्चे का सीटेट में 115 नंबर से ऊपर है उस बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सुपर टेट की तैयारी करिए। कुछ लोग ये कह रहे थे कि भैया मुझे बीपीएससी की तरफ अर्थात बिहार में टीचर बनने आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, या मुझे उत्तर प्रदेश की ही तैयारी करनी चाहिए। यह आपकी परिस्थिति पर निर्भर करता है। TRE4 बिहार में होने वाला है। आप सभी को मैं बता दे रहा हूँ कि बिहार में जो है वर्तमान के समय में TRE2 तक 65% आरक्षण था, लेकिन वर्तमान के समय में 60% आरक्षण था, 40% जनरल को मिलता था, लेकिन वर्तमान के समय में 75% आरक्षण हो चुका है, मात्र 25% जनरल को मिलेगा, सामान्य सीट रहेगी, उसमें भी 12.5% महिलाओं को दिया जाएगा, 12.5% आपको दिया जाएगा। तो कट ऑफ जो है आपका, कंपटीशन जो है बहुत हाई होने वाला है। मैं आपको हतोत्साहित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको इतना जरूर कह रहा हूँ आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि आपको जल्द से जल्द नौकरी की आवश्यकता है तो आप बीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा खासा पद आएगा, 2500-3000 पद आपको मिल जाएगा प्राइमरी में, तो आप वहाँ पे लड़ाई लड़के नौकरी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी परिस्थिति ठीक है, आप 6 महीने के बाद अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश भी तैयार है, और आप जो है रणनीति के तहत पढ़ाई वहाँ भी करनी पड़ेगी, क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश में भी डोमिसाइल लागू नहीं होने वाला है। हमें जहाँ तक जानकारी मिली है वहाँ पर भी बाहरी राज्यों के बच्चे कंपटीशन में आएंगे, और कहीं ना कहीं 8 से 10 लाख बच्चा जो है उत्तर प्रदेश के शिक्षक भर्ती में बैठने वाला है, तो कंपटीशन वहाँ भी हाई हो जाएगा। तो आपको अभी फिलहाल क्या करना चाहिए, मैं लगातार आपको गाइडेंस देता रहता हूँ, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए। फिलहाल मेरे पास जो है वैसी सुविधा नहीं कि मैं आपको क्लासेज दे पाऊँ, लेकिन मैं आपका इतने दिनों से मैं आपका साथ दे रहा हूँ, तो मैं इतना जरूर कहूँगा अभी आपके पास समय है। नियमावली बदलेगी तो आपका सिलेबस भी बदलेगा, और जब सिलेबस बदलेगा तो निश्चित तौर पे आमूलचूल परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन माइनर परिवर्तन जरूर होने वाला है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको जो GS वाले सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है और ज्योग्राफी है, इन तीनों सब्जेक्ट को आपको बेहतरीन तरीके से अभी से आपको तैयार कर लेना है। आपको तैयार कैसे करना है, मैंने बताया है, खान सर का रिकॉर्डेड बैच आता है, खान सर का रिकॉर्डेड बैच लेकर के देखिए। कुछ लोग ये कहेंगे कि सर उसमें तो केवल हिस्ट्री में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक सुधार आंदोलन ही आएगा, तो मैं उतना ही कर लेता हूँ। नहीं, अभी आपके पास टाइम है तो आपको पूरी हिस्ट्री एक बार पढ़ लेना चाहिए, मेरा मानना है। बाकी आप जो करते हैं करिए, आपका जो GS और GK वाला सेगमेंट है आप इसको मजबूत कर लीजिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस मजबूत कर लीजिए, और उसके बाद जो है जो विज्ञान के सब्जेक्ट है आप लूसेंट से कवर कर लीजिएगा, ठीक है। संस्कृत के लिए आप सर्वज्ञ भूषण सर को ही फॉलो करिएगा, उनकी एक बुक भी आती है संस्कृत, वहाँ से कवर हो जाएगी। उसके बाद मैथ के लिए शारदा पब्लिकेशन, SD यादव जी की बुक है, बहुत बेहतरीन बुक है। हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन की बुक मैंने बताया है, और CDP के लिए बच्चा पूछता रहता है सर CDP कहाँ से तैयार करें, तो CDP के लिए अभी रुक जाइएगा, CDP 25 से 30 नंबर का अभी तक आता था, CDP का हो सकता है थोड़ा सा CDP का जो सेगमेंट है वो कम कर दिया जाए और किसी सेगमेंट को बढ़ाया जाए, ठीक है। क्योंकि आपकी शिक्षक भर्ती से पहले जो आपका शिक्षक पात्रता परीक्षा जो टेट का एग्जाम होता है उसमें आपका जो है पेडोगॉजी का अध्ययन कर लिया जाता है, आपके शिक्षण शास्त्र का अध्ययन कर लिया जाता है कि आप किस तरीके से बच्चों को पढ़ाओगे, ठीक है। तो जो आपका अंतिम कंपटीशन होगा उसमें शिक्षण शास्त्र का थोड़ा सा मैटर कम कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। बाकी CDP के लिए अभी आप लोग इतने उत्साहित मत होइए, अभी उत्साहित होइए GK GS और जो आपका 60% सिलेबस लेकर के बैठा है GK GS के लिए। GK GS में क्या क्या पढ़ना है, करंट अफेयर आपको पढ़ना है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स छोड़ेंगे तब भी चलेगा। उसके बाद आपको साइंस पढ़ना है, साइंस के लिए आपको क्या करना है, कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 8वीं तक का जो NCERT है वही पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है, और जो बच्चा जो है पेपर को लेकर के परेशान है, कल से न्यूज निकल रही है, कल से न्यूज क्या निकल रही है, कल से बहुत सारे लोग वायरल कर रहे हैं कि 8 तारीख से लेकर के 15 तारीख के बीच आपका एग्जाम हो जाएगा जुलाई के द्वितीय सप्ताह में। देखिए, अगर आप लोग प्रयास करेंगे, अगर आप लोग प्रयास करेंगे, आप लोग अपनी बात को PNP तक पहुँचाएंगे, सर जरूरत है, शिक्षक भर्ती की सुगबुगाहट है, हम लोग बर्बाद होने के कगार पर हैं,
तब आपकी परीक्षा जुलाई के द्वितीय सप्ताह में हो सकती है। और अगर आप लोग अपनी बात जो है वहां तक लोकतांत्रिक तरीके से नहीं रखेंगे तो जान लीजिएगा आपकी परीक्षा जुलाई के अंतिम सप्ताह 22, 23, 24, 25 तक भी जा सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उन्होंने बता दिया है कि 27 जुलाई को 6 महीना पूरा हो रहा है, उसके बाद ही हम परीक्षा करवाने के मूड में हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। ठीक है, तो आप लोग प्रयास अपने स्तर से करिएगा, आप अपनी बात जो है सचिव जी तक पहुंचाइएगा, जिससे आपकी परीक्षा हो जाए और आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपके काम आ जाए। नहीं तो यह सर्टिफिकेट बच्चियों के लिए केवल विवाह का सर्टिफिकेट बनकर रह जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर एक बार वैकेंसी आ जाएगी तो 2035 से पहले उत्तर प्रदेश में वैकेंसी की गुंजाइश नहीं रहेगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिए, वीडियो को शेयर करिए, और चैनल पे पहली बार आते हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, हमको भी शौक है 1,00,000 तक पहुंचने का, तो आप लोग मुझे सब्सक्राइब करिए, 1,00,000 तक पहुंचाइए। आपका भाई आपके लिए खड़ा रहेगा, आने वाले समय में निश्चित तौर पे आपके हित के निमित्त मैं बेहतर अनवरत और निरंतर कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ, ईमानदारी से कार्य करूँगा, आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। निश्चित तौर पे आप बेहतर करेंगे, मुझे पूरा यकीन है, और आप हमारा सपोर्ट जरूर करेंगे। सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा, न हो मायूस न घबराए संधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। आज हम लोग जो संघर्ष की काली रातें काट रहे हैं, निश्चित तौर पे आने वाला समय सफलता का सूर्योदय होगा, यह तय है, इसको कोई रोक नहीं पाया है और ना ही कोई रोक पाएगा। रात के अंधेरों ने कभी सूरज को उगने से नहीं रोक पाया है, तो आज आपका जो संघर्ष है सफलता का सूर्योदय कभी नहीं रोक पाएगा। एक न एक दिन हम और आप मिलकर के सफलता के परचम पर होंगे और वहां से जो है अपनी प्रभुता को कायम करेंगे। बहुत बहुत आभार वीडियो को देखने के लिए, वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।